आज क्या है? आज कोई प्रोग्राम हो रहा है क्या? हाँ, 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या है? अरे बुआ, आज हमरा हमारे देश को आजादी मिली थी। ये आजादी मतलब क्या है? जिस दिन हमारे देश को आजादी मिला था, तो पहले कौन पकड़ के रखा था? खूब हंसो और जितना जोर से हंसना चाहते हो उतना हंसो, ताकि तुम्हारा हंसी पूरे आदमी के कानों तक पहुंचे। आज हमारा देश आजाद हुआ है, आ गया वो निशाचरी दिन, जिस दिन हम लोगों को हमारे देश आजाद होने के नाम पर धोखा दिया गया। क्या मिला हमको? मेरे माता पिता दादाजी सब इसी आजादी के लिए कुर्बान हो गए, आज तक कोई याद करने वाला नहीं रहा। और ये आजादी क्या है? कुछ नहीं है ये आजादी। भोरे भोरे मार लिया है क्या? मैं कभी पीता नहीं, पर आज 15 अगस्त के दिन में विशेष पी लेता, क्योंकि जब जब ये दिन आता है मैं अपने दादा माता पिता को याद करके मेरा दिल फटता, उस गम को भुलाने के लिए मैं पीता हूँ। अच्छा ठीक है, बैठिए। मैं आपको समझाता हूँ ये आजादी क्या होता है। अच्छा ठीक है। देखिए, हमारा देश बहुत साल गुलाम रहा, हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, हमारे देशवासियों पर भी अत्याचार करते थे अंग्रेज, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे, और इस अपने देश को आज़ादी पाने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने शहीद हो गया, उसी में मेरे माता पिता भी शहीद हो गए। अच्छा। और आज के दिन उस जो आज़ाद हुए उसी के खुशी मनाने के लिए हम लोग झंडा फहरा के और ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि आज हम लोग आज़ादी पाए हैं, सब खुश अच्छा, होते हैं। अच्छा। आज के दिन कई नाटक, कई झांकियां निकालते हैं, और उसी के याद में आज हम लोग झंडा फहरा रहे हैं। पर मेरे लिए अच्छा क्या कीजिएगा, वो तो आजाद हो गया ना। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। यदि हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राम पतित पावन सीताराम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। यदि हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यदि हमें आजादी बिना खड़ग, क्या हुआ? जा बकवास, गाना गा रहा। और तू भी तो गाना गा रहा है, गाते हुए जा रहा है। बिना खड़ग और ढाल के जीत गए हम लोग, आज़ादी मिल गया हम लोग को, इतना खून बहा, हमारे देश के वासियों को इतना दुख सहना पड़ा, भगत सिंह कुर्बान हुए, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, और क्या बिना खड़ग ढाल के चले गए? दोबारा ये नारा नहीं लगना चाहिए। आजादी की बात कर रहे हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी आजादी का सपना देखा था, यही आजादी जहां गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इस आजादी के नाम पर हमारे देश के लोग और हमें और जंजीरों में झगड़े जा रहे हैं, यही आजादी है, यही आजादी का सपना देखा था भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने। तुम जवाहरलाल नेहरू का बात करते हो, सबसे बड़ा अय्यास तो वही था, सिगरेट शराब, वो कुछ नहीं छोड़ता था नशे वाले चीज में, लड़कियों पर भी उनका इतना नशा था, बहुत ज्यादा, बहुत घटिया किस्म का आदमी था।
और आप उसका नारा लगा। वो अंग्रेजों के साथ बैठ के मांस खाया करता था और हमारे और उन्हीं के चलते तो हमारे पाकिस्तान और भारत अलग हुआ। और आप क्या बोले, आपको जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के सत्ता को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया? बात करते हो आजादी का, जिन्होंने आजादी दिलाई उनका नाम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही लिया जाता है। और किसी ने खोजा कि उसका परिवार कहाँ है, कैसे रह रहा है? बात करते हो, यही है आजादी। लेकिन उसके परिवार की फिक्र किसी ने नहीं की, आज तक उसके परिवार को बढ़िया से खोजा नहीं गया है। इतने महान व्यक्ति थे वो, जिन्होंने हमको भी लगता है भगत सिंह ने अपने आजादी के लिए जो सपना देखा था क्या वो हो पाया? नहीं हो पाया। आप लोग ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम ही गलत थे। भगत सिंह ने जेल में रहकर अपने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं सोचा? सबसे पहले सोचा कि देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद गोहत्या जो हो रहा उसके लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। और इन्हीं सब नेताओं के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया। बोलते कि फूलों के सेठ छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत, ये तूने क्या किया कमाल, यही कमाल किया था। अरे छोड़ो इन नेताओं को, हमारा संविधान ही ऐसा बना, गरीबों को और गरीब करते जा रहा, अमीरों को और अमीर करते जा रहा है। गरीब तो और मरते जा रहे हैं, अमीर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अमीर बनने का एक राज है, जो एन केन करके नेता एक बार बन जाए ना, उसका पैसा सोएगा पैसा। जनता और नेता, नेता कौन? सेवक। सेवक। जनता कौन? मालिक। मालिक। तो कुर्सी पर किसको बैठने का अधिकार है? मालिक को। मालिक को। बैठता कौन? तो सेवक बैठता है। तो फिर लेकिन हम फिर भी उन नेता को सम्मान करके संसद भेजते हैं। वो नेता क्या करते हैं संसद में? पहली दूसरी कक्षा जैसे विद्यार्थी जैसा काम करते हैं। सर ये गाली दे दिया, सर वो मार रहा है, सर वो मेरा नेठा बेच दिया, यही है आज के नेताओं का काम। इसीलिए हम जनता उन्हें वोट देकर उन्हें जिताते हैं संसद में, यही करने के लिए इसीलिए बैठते हैं। जनता का उन लोग का विकास करना रहता है और उन लोग अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं। सब अपना ये देखते हैं कि कितना मिलेगा हमको। लोग 5 वर्ष के लिए नेता बनते हैं, उनका मतलब पेंशन 2-2 बार मिलता है। और जो 60 साल तक मेहनत करके कोई भी सरकारी टीचर हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, वो काम करता है, लेकिन उसको पेंशन का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये हमारा संविधान है, आप ही बताइए। मुझे माफ कर मेरे साथियों, आप लोगों के इस तरह के बातें सुनकर मेरा आंखें खुल गया। मैं समझ गया कि ये देश में हमारा संविधान हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब मैं इस संविधान के विरुद्ध हम लोगों को मिलकर कोई युद्ध करना पड़ेगा। जहां एक एक अनाज उपजाने वाला किसान हत्या करे उसके लिए संविधान में कुछ ना हो, और हो तो थोड़ा सा मिलता हो। आज आप लोगों के इस बात से मेरी आंखें खुल गया है, मैं भी आप लोगों के साथ तन मन मिलकर काम करूंगा। क्या ये कानून फिर से सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? कानून बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जहां न्याय की बात हो वहां पर देखिए, यदि कोई केस करता है तो उसका फैसला उसके मरने के बाद फाइल खुलता है, यहां कैसा फैसला? ये भी कानून व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पाने के लिए हमारे देश के गरीब जो अपने पेट काट कर जमीन बेच बेच कर अपने लड़कों को पढ़ाता लिखाता कि कोई नौकरी पावे, लेकिन इन अमीर व्यक्तियों ने इन नेताओं के कारण नौकरी पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा हो क्या, ये गलत है या सही है? गलत है। भी कानून बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? और कहा जाता है हमारे संविधान में है समान काम के लिए समान वेतन। हर विभाग में देखिए आप कि जो अधिकारी काम करते हैं उसके साथ में एक कोई और है, दोनों एक साथ सेम काम करते हैं, लेकिन किसी का पैसा ज्यादा और किसी का कम।
ये हमारे संविधान में कैसा द्वैध शासन है, इसे भी बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे देश के गरीब किसान इधर उधर के लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, अमीर के लोग अमीर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अच्छे पढ़ाई करते हुए अच्छे नौकरियों में जाते हैं। यदि ऐसा ही संविधान रहा तो गलत होगा। हम लोग को ये चाहिए कि जो स्कूल सारे गरीब लोग पढ़ते हैं उसी स्कूल में बड़े बड़े नेताओं का भी बाल बच्चा पढ़े, तब देखते हैं कैसे बराबरी करेगा। क्या ये भी कानून सही है, इसको भी बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब कोई भी टैक्स से होते हुए जनता के द्वारा सरकार के पास पैसा जाता है और उन पैसों से हमारे नेता विदेश यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, फ्री फ्री जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये भी कानून बदलना चाहिए। चाहिए किसी नेता से कोई दोष नहीं है, पर हमारे संविधान में जो कानून बना है उससे हमें दोष है। संविधान के अनुसार संसद भवन में जो कैंटीन है उस कैंटीन का खाना बहुत सस्ता मिलता है और उस सस्ता खाना खाते हैं हमारे देश के नेता लोग, और हम लोग जो गरीब हैं बाहर का खाना खाते हैं, जो पूरे पैसा देकर खाते हैं, ये संविधान बिल्कुल गलत है। क्या यही सुधरना चाहिए कि नहीं? चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के बात से हम भी पूरा समझ गए हैं, हमें भी मेरा भी आंखें पूरा खुल गया है। यदि इस देश को बचाना है तो आज से ही हम लोगों को एक युद्ध का रणनीति बनाना पड़ेगा, और जितने भी सारे विदेश कंपनियों का यहाँ सामान है उसे धीरे धीरे खरीदना कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, बचाओ। क्या अपनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो हमारे देश में जो बॉर्डर पे जाते हैं जवान, उनको सैलरी बहुत कम मिलता है, 30-35 हज़ार, और हमारे नेता लोगों को 1 लाख से प्लस मिलता है वेतन, और उन लोगों को पेंशन भी मिलता है नेताओं को, और हमारे देश के जवानों को कोई पेंशन उनसन नहीं। साथियों, हम लोग सब जानते हैं कि आज से 75 वर्ष पहले अपने देश अंग्रेजों के गुलाम था, और अंग्रेजों के गुलामी में कितना सहन किए हैं, कितना अत्याचार सहे हैं, कितना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ हम लोग देशवासी मिल के जो शहीद हुए हैं, लगभग 7,32,700 जवान शहीद हुए हैं, पर कुछ ही लोगों को नाम याद है। इस बार हम लोग संविधान के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ये संविधान यदि इस तरह से रहा तो हमारे देश को और आगे जाने की तरक्की संभव नहीं दिखता है। 200 साल तक लड़ाई करने के बाद हमें आज़ादी मिली, उस समय तो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ भारतवासी थे, पर अब जो हमारे देश को हमारे देश के लोगों ही ने गुलामी बना के रखा है हम सब देशवासियों को, इसमें तो हमें अपने ही लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी। उस समय तो 2 साल वर्षों तक लड़ाई चलते रहा, हो सकता है इस बार 500-600 वर्ष तक लड़ाई चले, उस समय लगभग 7,32,000 लोग मरे, हो सकता है इस समय इस बार करोड़ों लोग की जाने जा सकती है। लेकिन यदि हम लोग ये संविधान नहीं बदल पाए तो हमारे भविष्य संकट में पड़ेगा, हम लोग फिर अंग्रेजों के जैसा गुलामी इससे बदतर जियेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के प्रधानाध्यापक जी है वो आएंगे और झंडा तोलन का कार्यक्रम को शुरू करेंगे।